चाय पुड़े की दुकान चलाते चलाते चला लड़ता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूँ आपके साथ गायत्री। स्कूटी पर एक शख्स के साथ खुली फिजाओं का आनंद लेते ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एमपी के नए सीएम मोहन यादव है। जी हाँ, कभी चाय की टपरी पे चाय भाजी का स्वाद लेते तो कभी अपने हाथों से समोसा ब्रेड पकौड़ा निकालते हुए नए सीएम साहब अपने पुराने दिनों को याद करते नजर आए। वो बताते हैं कि कैसे 40 साल पहले इसी दुकान से उनका सफर शुरू हुआ था। सुनिए। 40 साल पहले मैंने जब चुनाव लड़ा था भैया थी, मैं चाय पूरे की दुकान चलाते चलाते चुनाव लड़ता हूँ। फिर बाद में प्रेसिडेंट बना तो खाने की होटल लगी सराफे में, तो मामा पान वाले के पास में वो है ना बादशाह सब सामान, तो उसके वही वो दुकान आराम से। चाय समोसे का स्वाद लेने के बाद नेताजी सब्जी तरकारी भी खरीदते नजर आए और फिर वापस स्कूटी पर बैठकर रवाना हो गए। ये वीडियो कब का है ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन जब से बीजेपी ने उनका नाम सीएम पद के लिए चुना है तब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन इस बार राज्य की कमान शिवराज मामा को नहीं बल्कि मोहन यादव के हाथों में दी गई है। मोहन यादव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का करीबी माना जाता है। बुधवार 13 दिसंबर की सुबह एमपी के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह और राज तिलक हो गया है। बीजेपी के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली तो उनके साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शपथ ग्रहण करवाई। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन से भी कई लोग पहुंचे थे और जो वहां नहीं पहुंच सके उन्होंने अपने टीवी पर शपथ ग्रहण का लाइव प्रसारण देखा। इसके पहले मोहन यादव अपने घर से निकलकर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की और मीडिया से बात करते हुए बोले कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद है और उसी से सीएम बनने का सौभाग्य मिला है। राज्य में पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार और विकास करेगी। चुनाव के बाद मोहन यादव को सीएम पद के दावेदार के रूप में नहीं देखा जा रहा था। वे ओबीसी समुदाय से आते हैं जिनकी संख्या राज्य की कुल जनसंख्या में 48 से ज्यादा है। मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने 2018 में और फिर 2023 में विधानसभा सीट बरकरार रखी। चाय पूरे की दुकान चलाते चलाते चुनाव लड़ता हूँ। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।